हाई डियर गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राज मेकअप। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस क्रेलॉन सुप्रा बेस एंड इसका रिव्यू मैं सबसे पहले मैंने रिव्यू किया था क्रेलॉन डर्मा बेस, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड आई टोटली लव दैट। वो मेरा सबसे फेवरेट परचेज है एंड आई डोंट फील रिग्रेट बाई यूजिंग दैट। आई टोटली लव डिट। इफ़ यू आर अ बिगनर, मेकअप किट बनाना चाहते हो, बिगनर हो, मतलब कुछ भी, जस्ट गो एंड परचेज दैट, वो बहुत अच्छा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, यू कैन सी द पैकेजिंग, पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड आपको पीछे से इसको ऐसे खोलना पड़ेगा एंड हेयर इज़ योर प्रोडक्ट। मैं बताती चलूँ, मेरा जो शेड है वो है इन शेड नंबर आइवरी, इट्स आइवरी शेड नंबर पीछे से हट चुका है, या इट्स आइवरी शेड यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लाइक इसकी पैकेजिंग भी अच्छी है एंड दिस इज जस्ट अ वन स्वॉच। कहाँ स्वॉच करूँ यहाँ पर, यू कैन सी, मतलब ये जब आप इसे अपनी आईज पे लगाते हो ना, यू फील कि आपके डार्क सर्कल सब कुछ हाइड हो चुके हैं। सो यहाँ पे आपको मिला ये नज़र आ रहा होगा ब्लैक स्पॉट यहाँ पे भी। सो लेट मी अप्लाई इट हेयर एंड हेयर इट इज गॉन। मेकअप के ऊपर ही आपको दिखा रही हूँ। सो आप इसे बिल्डअप कर सकते हो एंड आई टोटली लव डिट। आप इसे अच्छे से बिल्डअप करो तो आपको काफ़ी अच्छी हाई कवरेज तक की आपको प्रोवाइड कर सकता है एंड इसे आप ब्राइडल बेस भी बना सकते हो, ब्राइडल से भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये एक आई बेस की तरह यूज़ होते हैं आपके फेस पे। आप इसे एज फाउंडेशन, एज कलर करेक्टर, एज योर कंसीलर आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे एज माई कंसीलर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये प्रोडक्ट। इट कॉस्ट मी अबाउट 350 और अगर देखा जाए तो बाकी सब वेबसाइट्स पे अब इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है एंड इसका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। आप चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, आप चाहो तो नियर बाय लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी ईजीली अवेलेबल है। बट दिस इज़ द बेस्ट एंड मेक श्योर कि इसकी कॉपीज़ आप परचेज मत करना, बहुत ज़्यादा कॉपीज इसकी बिकती हैं एंड मेक श्योर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ही परचेज करो। आप इनकी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो क्रेलॉन की। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, ये आपके एक ही बार में आपके सभी डार्क सर्कल्स को रिमूव कर देता है। मेक श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा इसमें ही रखो, बिकॉज ये हमेशा ऐसे इस तरह की पैकेजिंग में आता है, क्योंकि जब भी हम अपने प्रोडक्ट को निकाल के कहीं रख देते हो तो वो मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो जाता है, पैसे भी। सो मेक श्योर कि आप इसे इस तरह की पैकेजिंग में ही स्टोर करें जैसे मैंने रखा हुआ है। आई टोटली लव दिस अदर क्रेलॉन सुप्रा बेस। एक आते हैं डर्मा बेस एंड दिस वन इज द क्रेलॉन सुप्रा बेस। बहुत अच्छी फिनिश है, बहुत ज़्यादा ड्यूई मेकअप मिलता है आपको। आप इसे नाइट पार्टीज में भी यूज़ कर सकते हो। आप टीनेजर हो, आपने किसको गिफ्ट देना है, किसकी ब्राइडल के मेकअप किट आपने बनानी है एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच, सो आप ये दे सकते हो। ये बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये लॉन्ग लास्टिंग है अबाउट 5 to 6 hours बहुत आराम से। दैट्स वाई ये ब्राइडल्स पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, बिकॉज इनकी फिनिश, इनका सब कुछ, इनका ब्लेंडेबिलिटी, इनका प्राइस, इनकी फिनिश, इनका कलर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इनके लूज़ पाउडर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। लूज़ पाउडर्स बहुत अच्छे हैं इनके, बहुत ज़्यादा, बट थोड़े से एक्सपेंसिव है, अबाउट 500 each। सो आप वो परचेज कर सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी लूज पाउडर्स, आई टोटली लव दैम। एंड आपको हर एक तरह का स्किन शेड इसमें मिल जाएगा, हर एक तरह का आपको फाउंडेशन, कंसीलर या कलर करेक्टर आपको मिल जाएगा इतनी अच्छी क्वालिटी में। इवन देयर ग्लिटर्स आर वेरी गुड, इवन देयर ब्रशेज आर वेरी गुड। टीवी पेंट स्टिक अगर आप लेना चाहते हो वो आप ले लो, दैट इज़ द बेस्ट। 1500
1500-1200 रुपए में आपको इतनी अच्छी टीवी पिन स्टिक मिलती है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। फाउंडेशन एज योर कंसीलर, एज योर आई बेस, आपको बहुत अच्छी वाली यू नो प्रोडक्ट क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। हाई एंड प्रोडक्ट से किसी से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, किसी हाई एंड प्रोडक्ट से कम नहीं है। ये काफ़ी इजी अवेलेबल है सब जगह पे। क्रायलॉन इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन बाकी मार्केट्स में भी, बट स्टिल इंडिया में तो बहुत फेमस है। बट आई डोंट यू लव दिस प्रोडक्ट, आपको मैं ये हाईली रिकमेंड करती हूँ। इवन अगर आप इसके अगर आप इसे मिक्स एंड मैच करके कुछ कस्टम शेप भी आप इसे बना सकते हो, इवन इनकी पैलेट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर, आपको काफ़ी अच्छी कवरेज देता है इन जस्ट वन स्ट्रोक। सिर्फ और सिर्फ वन स्ट्रोक में आपको ये काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप इसका रिव्यू देखते हो मेरे चैनल पे, तो आप मेरी मेकअप लुक चेक करो। ये वाली मेकअप लुक में तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, बट आप मेरी बाकी मेकअप लुक आप ज़रूर चेक करना, उसमें मैंने इसे ज़रूर यूज़ किया है। आई डोंट यू लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। अ लिटिल गोज़ अ वेरी लॉन्ग वे, ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। इफ़ यू नीड अ कंसीलर, इफ़ यू नीड अ वेरी हाई कवरेज कंसीलर, मीडियम कंसीलर कवरेज वाला, तो आप ये ले सकते हो। आपको बहुत अच्छा ये दे देता है सब कुछ, आपको एक अच्छी गुड क्वालिटी। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है एंड यू नीड अ वेरी हाई गुड ब्रांड, सो यू कैन गो विद दिस क्रायलॉन सुप्रा बेस। देयर फाउंडेशन, देयर कंसीलर, देयर कलर करेक्टर्स आर रियली गुड। आपको बहुत अच्छा अमेजिंग ब्राइडल बेस मिलता है इनके साथ, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है एक अच्छे प्राइस में। बट आई थिंक इनका प्राइस अब बढ़ चुका है, जो कि डर्मा बेस का भी बढ़ चुका है, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मिलेगा। सो मुझे जो भी लिंक मिला मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे इन इसको तो मैंने अभी रिसेंट में परचेज किया है, जनवरी या फेबरी में। एंड जो डर्मा बेस थे मेरे पास, उनको अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 3 ईयर्स हो चुके हैं, दैट्स वाई तब वो 350 रुपीज़ के थे। बट नाउ उनका प्राइस सब वेबसाइट्स पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। सो आप चाहो तो परचेज करना चाहते हो, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट अगर आपके पॉकेट में है तो। अदरवाइज और भी सभी कंसीलर्स, और भी अच्छे कंसीलर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। सो आई इसका रिप ऑफ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, डर्मा बेस का भी रिप ऑफ आपको मैं बताना चाहूँ, दैट इज़ स्विस ब्यूटी कंसीलर। यस, आज मैंने उसे यूज़ किया है अपने आईज पे, एंड यू कैन सी मेरे को कितनी अच्छी कवरेज मिली है, यू कैन सी। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप वो भी ले सकते हो, सेम एग्जैक्टली रिप ऑफ है इसका। टोटली रिकमेंड एंड टोटली लव्ड इट, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। वो कॉस्ट करता है जस्ट अबाउट 200 रुपीज़, ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल जाएगा, बट यू नीड अ वेरी गुड क्वालिटी हाई मेकअप बेस या ब्राइडल्स पे, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इन दोनों को रिलेट कर रही हूँ, दैट इज़ रियली गुड। मतलब दोनों कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, सो मैं आपको बताना चाहूँगी दोनों काफ़ी अच्छे हैं, आप ज़रूर ट्राई करो। यू नीड आपको काफ़ी अच्छे रेट में स्विस ब्यूटी का कंसीलर मिल जाता है, इतनी अच्छी क्वालिटी वाला, इतनी अच्छी ब्लेंडेबिलिटी वाला। एंड वो फील होता है कि आपके फेस पे कुछ भी नहीं है। दीज आर लिटिल बिट हैवी इन टेक्सचर, बट कोई बात नहीं, आप ये भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ द रिप ऑफ। अगर आप ये नहीं लेना चाहे तो आप वो ले लो, यू विल नॉट फील एनी रिग्रेट। या सो यही थी आज की वीडियो, आई होप दैट कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर, एंड प्लीज़ मेरे 1K जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाए, एंड मस्ट चेक आउट माई मेकअप वीडियोज़। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव दिस लुक, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर, एंड बाय बाय।